जस टीवी देख रहे तुसी, मैं के पी सिंह टू द पॉइंट में सब का स्वागत करता हूँ। हरसिमरत कौर बादल, साबका केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, पंजाब यूथ कांग्रेस के साबका प्रधान, मौजूदा मैंबर पार्लीमेंट लुधियाना तो, इन दोनों के बहस हुई है पार्लीमेंट के बाहर। पार्लीमेंट के बाहर बहस हुई है तो बहस ने किहड़ी मर्यादा रखी, ये सारे सवाल पूछते पे है। पर केंद्र सरकार को की सुनेहा गया, खेती कानून के हक में बोलने वाले लिए एक कड़ा सुनेहा, जिहड़े पंजाब दे विचों आवाज़ उठती पई है कि सारे है जिहड़ा एक सांझा वफ़द लैके जाण के, उन्हां दे विच की सुनेहा गया, जिहड़ी आम जनता इन्हां नूं देखती पई उन्हां विच की सुनेहा गया, जिहड़ी संसद के अंदर बहस होनी चाहिए उत्थे की सुनेहा गया, किसान संसद दे विच की सुनेहा गया, ते जिहड़े किसान अंदोलन नाल जुड़े हुए आ हमायती उन्हां च की सुनेहा गया। असीं इक्को सवाल पुछांगे, खेती कानूनां ते इह किहड़ी लड़ाई, ये रोज ड्रामा करते हैं। कैबिनेट के मंत्री थे, ये बिल पास करवाया इन्होंने कैबिनेट में, झूठ बोल रहे हो रे, ड्रामा कर रहे हो, दो महीने लगातार बैठ के हक में बोलते रहे, आप किधर थे जब बिल पास हो रहे थे? फटाफट तुम्हें पूरा बयान सुना दिए, उथे होया की कुछ है। झूठ बोल रहे हो रे, ड्रामा कर रहे हो, इस्तीफा पहला दिता, इस्तीफा बाद दिता, पहला ये कैबिनेट मंत्री थी, जो बिल पास हुआ कैबिनेट के बेंच बैठे थे, एक बार भी रद्द करो, रद्द करो, एकता जिंदाबाद, 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 एकता जिंदाबाद, पूरी करो, पूरी करो, किसान एकता जिंदाबाद, पूरी करो, पूरी करो, झूठ बोल रहे हैं, चल यार झूठ बोलते हैं, एकता जिंदाबाद, मोदी जी तोमर के नाल बैठे थे, नाल बीएसपी, ये बिल पास करवाने वाले कैबिनेट मंत्री थी, जे सच्चा झूठा बोलो, तुसी ये बोलो सच्चा झूठा, कैबिनेट मंत्री बिल पास करा के इस्तीफा दिया बिट्टू भाई, इस्तीफा कर दिया, बिल पास करा के दिया, नहीं पहले दिया, पहले दिया, पहले दिया, दो महीने लगातार बिल के हक में बोलते रहे, दो महीने बड़े बादल साहब, छोटे बादल साहब, आज कितने ने पांच दिन बादल साहब हो गए, अकाली दल के प्रधान ने और गायब ने, गायब ने पांच दिन का पार्लीमेंट दसो कितने आप किधर थे जब बिल पास, मेरी पहली स्पीच थी कैबिनेट मंत्री सी विच, वो भी कैबिनेट मंत्री, बिल्कुल झूठ झूठ कैबिनेट मंत्री सी विच, और ये ड्रामा कर दिया खड़े होके कैबिनेट मंत्री, विरोधी सरकार, सब मेरा पर्दाफाश हो जाएगा, झूठ बोल के पूछो मंत्री सीधे नहीं, कैबिनेट सीधे नहीं है, पूरे ड्रामा करते जाके, ये तो मारने वाले हैं किसानों, ये तो बिल पास कराने वाले, पूरे ड्रामा करते खड़े के पार्लियामेंट के बाहर, बिल्कुल चुके नहीं, एजेंट बने हुए हैं भाजपा के, एजेंट को देख लो, इनके साथ कौन सी एकता होगी, आप कहाँ सुखबीर बादल इनके प्रेसिडेंट, पूछो कहाँ है पार्टी, पांच दिन हो गए कहाँ इनके प्रधान, एक दिन भी प्रधान है ना दे पंजाब में, एक दिन भी छोटे सुखबीर सिंह बादल, पांच दिन हो गए गायब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, तो वड्डा सवाल असी इको पुछांगे, वड्डा सवाल असी ये पुछांगे, पार्लीमेंट के बाहर बादल ते बिट्टू की बहस ना केंद्र सरकार नूं की सुनेहा क्या, इसे सवाल ते बहस करांगे, पैनल साडा मौजूदा उन्हां दा तारुफ करवाउणा फटाफट, तो उस तो बाद डिबेट शुरू करते हैं। प्रोफेसर कुलदीप सिंह पोलीटिकल एनलिस्ट ने, प्रोफेसर कुलदीप सिंह तुहाडा बहुत स्वागत है, विरसा सिंह बलटोआ श्रोमणी अकाली दल दा स्पोक्सपर्सन है, साबका चीफ पार्लीमेंट सैकटरी ने, बलटोआ साहब तुहाडा बहुत स्वागत है, हरदीप सिंह किंगरा कांग्रेस स्पोक्सपर्सन है, ये बड़े उच्च अहुदिआं ते रहे आ, किंगरा साहब तुहाडा बहुत स्वागत है, कुलदीप सिंह धालीवाल भारतीय जनता पार्टी स्पोक्सपर्सन है, तो जिहड़ा भाजपा का किसान मोर्चा हैगा उहदे नाल जुड़े हुए हैं, धालीवाल जी तुहाडा बहुत स्वागत है। सब तो पहला सवाल किंगरा साहब तुहानूं, किंगरा साहब रवनीत बिट्टू ने जिहड़ी बहस की है, जिहड़ी तकरार की है, कांग्रेस उहदा वैलकम करदी है? बिल्कुल नहीं, क्यों नहीं करदे? इह कोई इस करके नहीं करदे कि इह कोई जिहड़ी है इस तरह बहस नहीं करनी चाहीदी, ना ही इस तरह की बहस करने की लोड़ सी, देखो कुछ सच्चाइया होंगे, हुण किसे बंदे नूं कहे उरे आ, किसे नूं कहे उरे आ, ओए गल उन्नी की है, मतलब दोनों दे इको है, बॉडी लैंग्वेज, औरत दा सत्कार, ये उत्थे मिसिंग सी, ओ तीन चार चीज़ां बिट्टू साहब नूं ख्याल रखना चाहिए, कहिंदा है बोलत बोलत बड़े बेकारा, बिन बोले
क्या करे बेचारा, बोलन की लोड़ पैंदी है, पर जे तुसी लोड़ तो वध बोलो तो फिर तुसी काम खराब कर बैठते हो। इस करके इहदे च कोई दो राय नहीं कि हरसिमरत कौर बादल बीबी जदों कैबिनेट दे विच ऑर्डिनेंस आउंदा है उदों भी उत्थे सी, कैबिनेट चों पास होया, क्योंकि वह वोट कर नहीं सकती अगेंस्ट, एक कानून है, जो वोट अगेंस्ट करती तो उन्हें अस्तीफा देना पैंदा सी कैबिनेट चों। जदों ये पार्लीमेंट दे विच एक्ट बनन आए है उस तो पहला कैबिनेट जदों पास होए है उत्थे भी बीबी हरसिमरत कौर बादल प्रेजेंट सी, ते इस करके उत्थे भी वह जे बोलती उल्ट तो उन्हें अस्तीफा देना पैना सी। लेकिन पूरी गल करन दियो, लेकिन मेरा सवाल है किंगर साहब, किंगर साहब मेरा सवाल है, किंगर साहब एक मिनट रुक जाओ सर, किंगर साहब तुसी क्या कि बिट्टू दे बयान ना तुसी इत्तफाक नहीं रखते, कांग्रेस पार्टी ने कंडेम किया सर मिस्टर बिट्टू का बयान? देखो जी कांग्रेस पार्टी, देखो दो गल्लां हैं, मैं पार्टी दा स्पोक्सपर्सन तो बिना डीसेंसी जिहड़ी है वह जिंदगी दे विच कदे नहीं गुआचनी चाहीदी, भावें तुसी दुश्मन दे नाल बैठ के गल करदे। किंगर साहब एक मिनट, एक मिनट किंगर साहब, एक डीसेंसी हुंदी है गल करन दी। ठीक है सर, किंगर साहब कांग्रेस पार्टी ने कंडेम नहीं किया तुसी ये मानदे पे हो, किंगर साहब तुसी औरत वाला मुद्दा इस विच रखिया जो तुसी आपदा कमेंट दे रहे सीगे, औरत दी शान दे खिलाफ की बोलिया मिस्टर बिट्टू ने जिहड़ा तुहानूं चंगा नहीं लग्गिया? नहीं नहीं देखो देखो मैं उन्होंने उहदे शान दे खिलाफ नहीं कुछ बोलिया, हाँ देयर इज अ वे टू टॉक, एक अदब दे नाल जिहड़ा उह एड्रेस किया जाता है, अदब नाल गल की जाती है, हर थां ते तुसी गैलरी नूं प्ले नहीं कर सकते। चलो ठीक है, मैं वापस आ जाऊंगा सर, किंगर साहब वापस आऊंगा मीडिया दे विच, पता नहीं ठीक किंगर साहब वापस आऊंगा सर, देखो चाहे माड़ा लगे किसे, ठीक है सर किंगर साहब वापस आऊंगा सर, वापस आऊंगा सर, वापस आऊंगा। विरसा सिंह बल्टोआ सर, इहो जी बहस है जिहड़ी अकाली दल तुहानूं कंडेम करूगा करूगा, अकाली दल ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करती तुरंत ही, बल्टोआ साहब ये रवायत कैसी पाई जा रही है? बल्टोआ साहब सवाल तो है, देखो केपी जी जिहड़ी सियासत है ना अजिहे लोकां ने गिंदी करती, असल च सियासत दी इक मर्यादा है, सियासत च सब तो वड्डी गल संजीदगी, ताडे राजनीतिक वखरेवे हो सकते, ताडे किसी नाल मतभेद हो सकते है, तुहानू किसी तो उलांभा हो सकता है, पर उन्हों प्रगटावा करन दा भी राजनीति दे विच इक मर्यादा है, पर अज जिस तरह आम करके बिट्टू जी वह मर्यादा तोड़ते रहते हैं, पर जिस कदर अज मर्यादा तोड़ी है, जिस तरह का लहजा अज सी उन्हां दा, ते मेरा ख्याल है कि किंगरा साहब ने किसी भी कांग्रसी नूं जिहड़ा माड़ा मोटा भी संजीदगी रखता है वो शब्द जिहड़े आ इस मसले ते किंगरा साहब वाले होण। हुण मैनूं इह गल दस दिओ, रवनीत बिट्टू होरां ने उत्थे आण के जिथे बीबा हरसिमरत कौर बादल ते उन्हां दे साथी केंद्र सरकार के काले कानूनों के विरुद्ध रोस प्रगट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आण के जिस कदर उन्होंने जिस तरीके दे नाल उत्थे आण के तकरार की है, इहदा फायदा किनू है ते नुकसान किनू है? दो गल्लां, तुसीं एक बन्ने गल करदे जे किसानी संघर्ष के नाल खड़न दी, ते तुसीं विरोधियों नूं दिखा रहे जे कि ताडा विरोध बाद च पहलू असीं आपस विच एक दूजे के विरोध च तोपां ताण के खड़ोते। मेरी हथ बन के बेनती है पंजाब के राजनीतिकां नूं, पंजाब के लोकां नूं, कि जे संघर्ष के विच इन्हां काले कानूनां के विरुद्ध कोई एक कदम भी पुटदा है तो सानूं उहदा स्वागत करना चाहिए, और असीं करदे भी हां, दिल तो करदे, विरसा सिंह बटोहा खास करके करदा है। हुण गल जिहड़ी गल कीती जांदी है कि जिस समय यह ऑर्डिनेंस आए कैबिनेट में आए बीबा हरसिमरत कौर बादल जिहड़े है उस समय केंद्रीय यूनियन के मिनिस्टर सीगे, कैबिनेट का हिस्सा सी, असी मनते हैं, असी तो मुनकर होंगे ही नहीं, और यह भी सच है कि जिस दिन वह कानून कैबिनेट में ऑर्डिनेंस जिहड़े ने ऑर्डिनेंस उस समय कानून नहीं सी बनया, ऑर्डिनेंस जिहड़े जो उत्थे कैबिनेट के विच टेबल होंगे ने, तो बीबा हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि यह खेती नाल संबंधित किंगरा साहब नूं जां सारे जिहड़े बैठे ने बड़े सूझवान बैठे सरदीप सिंह होरी धारीवाल साहब कि सारे नूं पता है कि जदों उत्थे सारा कुछ मसौदा रखा जाता तो कली कली लाइन कला कली कलॉज पढ़ी नहीं जाती, ये तो सारा नूं पता होंदा। तो दूसरा की है उत्थे बीबा हरसिमरत कौर बादल ने बावजूद भी कहा कि यह जिहड़े कानून ने खेती नाल संबंधित ने किसानां नाल संबंधित ने कि यह जिहड़े आ किसानां किसान इहदे नाल सहमत होणगे, चलो ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ,
कोई डायसेंट नोट तुम बाहर कढ़ के दिखा सकते हो कैबिनेट में जो हर सिंह को बादल ने विरोध दर्ज करवाया? एक सवाल। दूजा सवाल है, तुम कहने कली कली लाइन नहीं पढ़ी जाती कि कैबिनेट बैठक तो पहला तुम्हें मसौदा मिलता है, एजेंडा मिलता है कि आ भाई उनके आने वाला या नहीं आने वाला, जो बाद पढ़ने लिए मिलता या नहीं मिलता? बटुआ साहब नहीं, मेरा ख्याल है कि हरेक को पता है कि उत्थे जिहड़ा आ टेबल जो कुछ किया जाता पहले तो यही होंगे कि आ आ चीज आऊगी। डिटेल की है, डिटेल का किसी भी उस समय पता नहीं होंगे बेटे वो डिटेल। एक मिनट मेरी बेनती सुनो जी, मेरे तुहानू भी पता सानू भी पता असं तो यही काम करते रहे हैं। अच्छा तुम तो रहे जे आई एस ऑफिसर आई एस के तौर पर रहे जे, जो कुछ भी होंगे। चलो मैं मोटी जी गल दसती कि बीबा हरसिमरत कौर बादल ने उत्थे कैबिनेट के जिहड़ा आपदा आपदी जिहड़ी उन्होंने राय रखी उहदे बारे केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री ने पार्लीमेंट दे विच प्रगटावा कीता कि बीबा हरसिमरत कौर बादल ने कैबिनेट की मीटिंग दे विच भी खदशा जाहिर कीता सी। और दूसरी गल जिहड़ी है, मेरी हथ भर के बेनती है कि उस समय सी ऑर्डिनेंस, ये ऑर्डिनेंस कानून उदों बन गए जदों पार्लीमेंट च बिल आण के उत्थे पास होगा। तो मेरी एक सवाल है किंगरा साहब नूं, समुची कांग्रेस नूं, कि जिहड़ी इन्हां काले कानूनां नूं बनाउण लई एक हाई पावर कमेटी बनी सी इंडिया लैवल, जिहदे च वख-वख मुख्यमंत्री जां होर शख्सियतां मैंबर सी, पंजाब उहदे च मैंबर नहीं सी। ते कैप्टन अमरिंदर सिंह होरां ने केंद्र सरकार नूं चिट्ठी लिख के मंग कीती कि पंजाब वर्गा सूबा जिहड़ा खेती आधारित सूबा है जिहदा एड्डा वड्डा योगदान है उहनूं तुसीं मैंबर वी नहीं लै रहे। और कैप्टन अमरिंदर सिंह होरां नूं बकायदा जिहड़ा हाई पावर कमेटी दे विच मैंबर लिया गया। और मनप्रीत सिंह बादल आई एस कान सिंह पन्नू मीटिंगां च शामिल होंदे रहे, कली कली क्लॉज जिहड़ी आ उहदे च दर्ज कीती जी। एक मिनट जी साहब, हां जी एक मिनट, इन्हां दी राय दे नाल दर्ज कीती गई, किसी नूं पता नहीं सी कि की आउणे आ, की इन्हां ने पंजाब दे लोकां नूं दस्सिया कि हाई पावर कमेटी दे विच जिहड़े खेती आधारित कानून तैयार कीते जा रहे ने वो बड़े माड़े आ? चलो ठीक है सर, मैं वापस आ जाऊंगा, वापस आ जाऊंगा। बटा साहब एक सवाल का जवाब दो सर, उस तो बाद मैं फिर डिबेट ओपन कर देनी है। कोई डायसेंट नोट तुम हर सिंह को बाल का दे सकते हो या नहीं सर? बटवा साहब डाइसेंटिंग नोट की गल नहीं होंगी जी, उसे डाइसेंटिंग नोट नहीं चलता, उसे आपकी राय चलती है। चलो ठीक ठीक, राय जानती है, राय आपकी दी थी, वो तो कहता जो खेतीबाड़ी मंत्री ने जो पार्लीमेंट के सर, खेतीबाड़ी मंत्री ने तो पहला ही बहुत कुछ किया बटवा साहब, खेतीबाड़ी मंत्री ने तो तुम्हें भी कहता सगा आ चिट्ठी लै जाओ उत्थे दिखा दो चंडीगढ़ तुम दिखाते रहे सर। बहुत सारे सवाल है, वापस आ रहे हैं। ठीक है सर, वापस आ रहे हैं सर, वापस आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं बटवा साहब, थोड़े को वापस आऊँगा। एक छोटा ब्रेक लवेंगे, ब्रेक तो वापस आवेंगे। खेती कानून से कि लड़ाई है पंजाब, जिथे एकता और पंजाब को दिखानी चाहिए है, जिथे पंजाब नूं बाकी सूबे नूं नाल लैके चलना चाहिए है, उत्थे जे दो मैंबर पार्लीमेंट आपस दे विच पार्लीमेंट दे बाहर इस तरीके नाल पिटदे आ तां बहुत सारे सवाल खड़े हुंदे आ। इह सवाल संजीदगी वाले आ, इह बहस तुहाडे कई लोकां वास्ते जिहड़े कि पंजाब दे हितैषी नहीं उहनां वास्ते तमाशा हो सकती है, पर जे इहदे विच संजीदगी ना दिखाई गई तां इहो जे तमाशे फिर होर भी देखते रहियो, फिर खेती कानूनां दे मसले नहीं हल होणे, ना सरकार ने इधर तो उधर होना, जो तुहाडा एक टुटदा फिर सारे तमाशा देखते। वापस आ रहे, ये रोज ड्रामा करते हैं, कैबिनेट के मंत्री थे, ये बिल पास करवाया इन्होंने कैबिनेट में, झूठ बोल रहे हो रे, ड्रामा कर रहे हो, रोज इन्हें लगातार बैठ के हक में बोलते रहे। आप किधर थे जब बिल पास हो रहे थे? सवाल पूछ रहे पार्लीमेंट के बाहर बादल के बिट्टू की बहस ना केंद्र सरकार को सुनाया गया। प्रोफेसर कुलदीप सिंह सर, पार्लीमेंट के इन्हों दोनों मैंबर पार्लीमेंट्स ने जां मंत्री रहिंदे हर सिंह को बादल ने की किया जां पंजाब सरकार ने की किया, यह सर सवाल बाद विच पूछा जाना चाहिए, पर जो इन्होंने हुण किया सर बहुत वधिया सुनेहा। प्रोफेसर कुलदीप सिंह देखो जी, गल ये है कि जे जे जो जो असी सूबे दे अंदर राजनीतिक कल्चर पैदा करता जी, उहदी गल करिए उह तां बड़ी दुख वाली गल है। हुण जे इस वेले पास की गल छड़ दईए, इस वेले अकाली दल ते कांग्रेस दोनों जो किसान यूनियन की मंग है उहदे नाल खड़े ने कि जी तीनों कानून वापस होने चाहीदे ने। सो बड़े दुखांत की गल है कि तीनों पार्टियां जदों इस वेले घट्टो घट तीनों कानूनों की वापसी की वचनबद्ध ने ते फिर एक प्लेटफॉर्म तो क्यों नहीं बोलदियां, इह सूबे लई बड़ी दुखांत की गल हैगी है। दूजी गल ये भी गल सच है, मैं राजनीति शास्त्र का प्रोफेसर होने के नाते कहांगा कि पार्टियां ने अपना जिन्हों कहते ना असी कि तुसी पोलिटिकल स्कोर करना हुंदा है, जिहड़ी गल विरसा साहब विरसा सिंह बटोहा ने कही है ना बैकग्राउंड की, वह सच है। उहदे च इक सच मैं कहना जिहड़ा दोनों पार्टियां ते लागू हुंदा, उह है जी मुल्क विच निजीकरण का दौर बहुत पुराना शुरू होया ते जिहड़ी उह कमेटी बनी, कमेटी बनन तों बाद सारियां नूं इह लग्गिया ऑनेस्टली
कि भी देखो निजीकरण वाली गल हुण जिहड़ी जिहड़ी प्रक्रिया उहनूं असीं वापस नहीं लै सकदे, इस करके निजीकरण का दौर एग्रीकल्चर च शुरू हो गए। सो ऑर्डीनेंस की बैकग्राउंड बन गई, ऑर्डीनेंस आ गए, कानून बन गए। सो सच यह है जिवें विरसा सिंह बटोआ ने हिंट भी किया है, अकाली दल नूं कांग्रेस नूं भी शुरू च यह लगता सी कि यह जिहड़े कानून ने इन्हां दा कोई बहुता विरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो बाकी निजीकरण का दौर चल रहा उहदा ही इह है। पर किसान यूनियन का मत अलग सी, जदों किसान यूनियन का मत जिहड़ा सी उह सामने आया, बड़े फोर्सिवली सामने आया, फिर अकाली दल ने अपना बीजेपी नालों अलायंस तोड़ना ठीक समझिया। सो मैं तुहानूं की कहना चाहुंदा कि इस एक मुद्दे ते जिहड़ा सब तो वड्डा अहम रोल है वह किसान यूनियन का। किसान यूनियन ने कांग्रेस नूं भी अकाली दल नूं भी दोनों नूं एक इस मुद्दे ते अपना जिहड़ा मुख पार्टियां एग्री कर दिया ने उन्हां दी आवाज एक प्लेटफॉर्म तो जानी चाहिए, यह गल मैं शुरू च कहती। यह मंदभागी गल है कि जे घट्टो घट एक पड़ा उदो सीगा जदों इह सरकार दा हिस्सा सीगे ते कांग्रेस अलग पोजीशन तो बोलदा सी, घट्टो घट हुण तां अकाली दल भी कहिंदा कि कानून वापस नहीं। कुलदीप सिंह जी मुख्यमंत्री साहब चिट्ठी लिखते हैं प्रधानमंत्री नूं, इक मैं सांझा डेलीगेशन लिआउणा चाहुंदा सर, सांझा डेलीगेशन दा हिस्सा फिर ये लोग तो नहीं हो सकते जे इहो जी बहस होगी, सांझा डेलीगेशन ये तो नहीं हो सकता सर, कि हो सकता? कई बार सुनने को मिलता जी असीं प्रेजिडेंट नूं मिलने जा रहे हैं, ना तो प्रेजिडेंट मिलनूं कुछ हो नाल मिलनू कुछ होना है जी। हाँ ये जरूर है जे सांझा प्लेटफॉर्म बना के इस किस्म की आवाज आए कि बीजेपी नू राजनीतिक तौर पर बाकी जगह सेक लग सकता है, फिर इस गल का इंपैक्ट पै सकता है। जिवें किसान यूनियन ने किया है कि जी असी अपना व्यू पॉइंट उत्तराखंड में लेके जावे, असी अपना व्यू पॉइंट जिवें वैसट बंगाल में इलैक्शन वेले रखिया उस तरह असं उत्तर प्रदेश में रखा। सो मैं तुहानू की कहना चाहुंदा जिहड़ा किसान यूनियन की स्ट्रैटेजी रही है कि एक असी ऐसा प्लेटफॉर्म बना के एक आवाज जिहड़ी उठाउणी है, जिहड़ी आवाज केंद्र की सरकार नूं सेक लगा सकदी होवे, फिर तां कोई फर्क पै सकदा है, अदरवाइज कोई फर्क नहीं पै सकदा। ठीक, कुलदीप धालीवाल तुसीं वेलकम करदे हो जिहड़ी बहस होई है बाहर, क्योंकि अंदर तां तुहानूं ना तुहानूं बोलण दा मौका दित्ता जा रहा, तुसीं कह रहे हो कि विरोधी नहीं बोलण दिंदे पए सानूं ते सरकार कोले कोई जवाब नहीं हैगा मुद्दिआं दा। कुलदीप धालीवाल तुसीं तां वेलकम करोगे, बहुत चंगा कीता रवनीत बिट्टू ते हर सिंह को बादल ने। नहीं नहीं के पी मैं बहुत मंदभागी घटना हुई है, और मेरे तो पहला जेड़े तीनों बुलारे बोले मेरे लिए तीनों बहुत सत्कारयोग है, सरदार विरसा सिंह बटोआ साहब जेड़े है संघर्षशील रहे हैं, संघर्ष के दिनों दौरान किंगरा साहब नूं वैसे ही आपका हीरो मानता, चलो स्पोक्समैन है दूजी पार्टी के, प्रेस साहब के नाल भी असीं रहे हैं। तो ये तीनों जो बुलारे बोले आ मेरा उस तो बाद बोलन कुछ रह नहीं जाता, क्योंकि वह सारा निचोड़ सामने आ गया। जिहड़ियां गल्लां मैं कहणियां आपकी छोटी जी वार्ता दे विच वह सारियां गल्लां तीनों बुलारियां ने बोलतीआं। जिहड़ी मंदभागी घटना हुई है उहदे विच जो जो चीज़ां होणियां चाहीदियां सी किंगरा साहब ने बड़ियां बेबाकी नाल भावें कांग्रेस नूं बिलोंग करदे उन्होंने रखतीआं, और उहदे ते मैं विरोधी होण दे नाते हुण होर टिप्पणी करां वह अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने कहता है गल भी उत्थे जिहड़ा हैगा एक थोड़ी डीसेंसी चाहीदी सी जदों एक महिला सामने सी तां तो नहीं होना चाहिए सी, और बटोआ साहब ने सारा ही पक्ष खोल के रखता जिहड़ियां गल्लां असीं कहिंदे सी। नहीं, एक मिनट कुलदीप धालीवाल महिला वाला मुद्दा की है सर, मैनूं ओह समझाओ। हरदीप किंगरा ने भी जिक्र किया, चाहे कांग्रेस स्पोक्स परसन है, तुसीं भी जिक्र कर रहे हो, महिला की शान के खिलाफ की बोले मिस्टर बिट्टू? शान के खिलाफ नहीं, पर एक डीसेंसी चाहिए सी गलबात करन लगे वार्ता, जे कोई अपने विचकार भी कोई एक महिला स्पोक्स परसन किसी भी पार्टी के होण तां आपां थोड़ा डीसेंसी नाल काम लैंदे आ, वो नहीं देखण नूं मिली किते ना किते। ते फिर एक मिनट धालीवाल साहब, तुहाडी सरकार ने महिला का मान क्यों रखिया? महिला तो पार्लीमेंट में कहती रही उत्थे भी भाई ये खेती नूं तुसीं गलत बनाते, वो तुसीं महिला का मान नहीं रखिया, हुण तुहानूं महिला का मान याद आ गया? धालीवाल साहब वखरे होणा ते मान रखना वो एक वखरी गल है, विचार वखरे आ वखरी गल है, ठीक है विचार है बीबा हरसिमरत कौर बादल दे, उन्होंने जिवें दस्सिया सरदार विरसा सिंह बटोआ ने, और वो गल माणयोग खेतीबाड़ी मंत्री ने भी कही कि भाई उन्होंने आपका मत रखिया सी कुछ खदशे सी, पर मैं उसकी अगली गल करनी चाहना कि जेड़े भी खदशे सी बटोआ साहब वो खदशे के गलबात करने सरकार तैयार है, वो खदशे आप लैके जाइए, उन्होंने खदशों कानून बदलाइए, और जिस तरीके का कानून चाहिए जेड़े तो खदशे है उन्होंने दूर करके देश में एक
ਸਸ਼ਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲੀ ਹੈ ਖਰਚੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੀਏ ਨਾ ਅਕਲ ਦੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਓਪਨ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾ ਲਓ ਆ ਜਾਓ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾਪਸ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਊਂਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਲਾ ਸ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਓਪਨ ਟਾਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇਗੇ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰੱਖਦਾ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 2019 ਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਈਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਈਏ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆਇਆ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਇਹ ਵੀ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਗਲਤ ਟਰੈਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਏਪੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰਕੇ ਡਰਾਫਟ ਭੇਜਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਪਾੜ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਲਦੀਪ ਭਾਜੀ ਠੀਕ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਣਾ ਕਿ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਠੀਕ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਠੀਕ ਠੀਕ ਵਾਪਸ ਹੋਵੇ ਦੇਸ਼ ਰਾਜਕਤਾ ਵਾਲਾ ਠੀਕ 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 ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਊਂਗਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਦੇ ਮਵਾਲੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਰੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਰ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕੈਬਨਿਟ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਥੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫੜ ਕੇ ਹੱਕ ਮੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਆਪ ਕੇ ਦਰ ਥੇ ਜਬ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਗਿਆ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਕਰਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਇਸ ਧਿਰ ਦੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਊਟ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਸੋ ਇਹ ਇਹ ਸੱਚ ਨੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇ ਪੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਡਿਸਕੋਰਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਸਕੋਰਸ ਖੇਤੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋ ਫਾਰਮਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬੇਸ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਿਸਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟੂਆ ਸਾਹਿਬ ਬਟੂਆ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਰ ਕਿਸਾਨ ਮਨਫੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਰਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਊਟ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਬਟੂਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਟੇਕ ਸਰ ਦੇਖੋ ਪੀਪੀ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਔਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ
ਲਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧਾ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਸੋਧਾ ਕਰਵਾ ਲਓ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੁਲਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਮਾਰੀ ਠੱਗੀ, ਇਹ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧਾ ਸਾਧਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ, ਅਜਿਹੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਖੜਨ ਦਾ ਨਾ ਕਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਦੀ ਰਹੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਬੜੇ ਨਿੱਜੀ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੰਗਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ। ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੀਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ GST ਦਾ ਜੰਮ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਜੰਮ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ GST ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸੀ। FDI ਰਿਟੇਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਭੰਨ ਤੋੜ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਾਂ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦਾ FDI ਰਿਟੇਲ ਸੈਕਟਰ 'ਚ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ FDI 51% ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਔਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੈਲਵਿਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ BJP ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਯਾਰੋ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕਾਹਦਾ? ਲੈਫਟ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵਰਕੇ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਫਟ ਦੀ ਤਾਂ ਅਪਰੋਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੇ ਆਰ ਅਗੇਂਸਟ ਸਮ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਆਈਡੀਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਫਟ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਫਟ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੈਫਟ ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਕਲਾਸ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ 3 ਸਾਲ, ਉਹ ਲੈਫਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ TV ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹੋ ਡਿਨਾਈ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਰ ਕਾਮਰੇਡ ਪੱਖੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਜਾਂਦੇ ਪਿਆ, ਕਾਮਰੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਇੱਕ ਕਾਮਰੇਡ ਸਰ, ਕੱਲੇ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਰ ਤੁਸੀਂ? 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰ, ਟੋਟਲ 40 ਹੈ ਸਰ, 40 ਦੇ ਗਾਂ ਸਰ, 450 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਾਮਰੇਡ ਪੱਖੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਹੋਣਾ ਗੁਨਾਹ ਸਰ। ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਾਮਰੇਡ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਥੋੜੀ ਪੂਰਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਰ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਚਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਟਰ ਬਿੱਟੂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ? ਦੇਖੋ ਡੀਸੈਂਸੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਇਨ ਦਾ ਹੀਟ ਆਫ ਦਾ ਮੈਟਰ, ਪੀਪਲ ਡੂ ਰੇਜ਼ ਦੇਅਰ ਵੌਇਸ, ਪੀਪਲ ਡੂ ਮੇਕ ਮੂਵਸ ਵਿਚ ਆਰ ਨਾਟ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਇਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਐਂਡ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ।
कुलदीप धालीवाल कि दोनों धिरों माफ़ी मंगनी चाहिए है कुलदीप धालीवाल ज नहीं बीजेपी की सोचती है। देखो किसान शर्मिंदा करने वास्ते तो दोनों धिरों मंगनी चाहिए पर जिहड़ा इशू है इस इशू ते जे कोई मतलब जिवें आपां कहीए भी एक व्यक्ति कोई महिला दे नाल बहस करदा ते उत्थे डिसेंसी लॉस होई है ते जो कहंदा मेरे ख्याल च उहदा कद वड्डा ही होएगा। ठीक है तुसी 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 जिहड़ी तुहाडी पूरी लीडरशिप है कुलदीप धालीवाल इत्थे बह के तुसी इह गल कह रहे हो कि दोनों धिरां नूं आपस विच इह समझौता कर लेना चाहिए माफ़ी मंग लेनी चाहिए है जो तो बाहर तुहाडी स्टेटमेंट आनी है कुछ होर ना आवे कुलदीप धालीवाल मैनूं इह लगदा चलो मैं एक होर छोटा ब्रेक लूंगा ब्रेक तो बाद आखिरी हिस्से विच आवांगे बहस केड़ी मर्यादा की राखी हुई केड़ी मर्यादा तज्जियां उड्डियां सवाल बहुत सारे है किसानों के मुद्दे ते किस दी सांझ किस नाल है सवाल यह भी होना चाहिए वापस आ रहे ये रोज ड्रामा करते हैं कैबिनेट के मंत्री थे ये बिल पास करवाया इन्होंने कैबिनेट में झूठ बोल रहे हो रे ड्रामा कर रहे हो रोज इन्हें लगातार बैठ के हक में बोलते रहे आप किधर थे जब बिल पास हो रहे थे ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਗਿਆ ਬਟੂਆ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਂਗਾ ਬਟੂਆ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਹਰ ਸਿੰਘ ਕੋ ਬਾਦਲ ਦੀ ਇਹ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹਿਸ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਸਿੰਘ ਕੋ ਬਾਦਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਲੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਣਕ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਦੇਖੋ ਪੀਪੀ ਜੀ इस गल बारे तो मैनूं जानकारी नहीं पर मेरा ख्याल है कि रवनीत बिट्टू होरां ने जान बुझ के ये जिहड़ा मसला पैदा किया है जान बुझ के पंगा लिया है जान बुझ के उन्होंने तकरार की है तुहानूं वजह की लगती है बिट्टू साहब वजह की लगती है नहीं वजह तो देखो रवनीत बिट्टू हो रही फ्रस्ट्रेट ने फ्रस्ट्रेट क्यों ने विदिन पार्टी उन्होंने कोई महत्ता नहीं दी जा रही क्योंकि पंजाब दे अंदर सियासत करना चाहते हैं पंजाब दे विच होर अगे वधना चाहते हैं मैंबर पार्लीमेंट ते तीन चार वारा बढ़ गए वो अगे वधना चाहते हैं इत्थे उन्होंने पैर नहीं लग रहे ना लगन दिते जा रहे हैं तुहाडी पार्टी दे कहिंदी तुहाडी पार्टी दे कहिंदी बीजेपी दे नेड़े आहो इह सच है नहीं इह कोई दरावा नहीं गया कि जिहड़ियां रवनीत बिट्टू होरां दीआं सांझां ने उह किसे नूं ओला नहीं कि मेरे दसण दी लोड़ नहीं गी किंगरा साहब नूं पुछ लो किंगरा साहब वी दस देणगे कि उहनां दीआं जिहड़ियां ने अकाली दल इल्जामां कांग्रेस खारिज करदी पई है सिद्धू भी लाते रहे 75-25 दे फार्मूला कह के मैं डिबेट चो लैके नहीं आ जांदा भाई देखो मेरी गल सुनो पोलिटिकल पार्टियां कोई नवी गल है पोलिटिकल पार्टियां आम जी गल है जिहड़ी किसानी संघर्ष लई केंद्र सरकार दे विरुद्ध लड़ रहे लोकां दे विच फुट पाउणा चाहुंदी ओह तां केंद्र सरकार ही है भाई ओह तां सरकार ही है इही है ना फिर केंद्र सरकार दे इशारियां ते ही रवनीत बिट्टू होरी अजिहा बखेड़ा करा खड़ा कर रहे ने चलो और जिथों तक कोई इशारा नहीं केंद्र साहब एक मिनट केंद्र साहब बड़े है मेरी बेइज्जती सुन लो एक मिनट केंद्र साहब ने बहुत वड्डी गल कीती है देखो सरदार प्रकाश सिंह बादल जमांदरू अकाली सी और एक समा सी जदों समुचे अकाली दल ने कांग्रेस दे सिंबल ते इलैक्शन लड़ी सी उदों कोई बाला बखरेवा नहीं सी हुंदा सिंबल कांग्रेस दा सी पार्टी अकाली दल सी इस करके जिहड़ी गल्लां कहदियां जी ओह सिंबल ते पुराने नहीं ओह कांग्रेस दे एमएलए बन के बैठे आ रिकॉर्ड दा
कुलदीप धालीवाल अकाली दल ने इल्जाम लाए है कि बिट्टू बीजेपी का बंदा ते बीजेपी ते की कहना चाहती है। देखो कांग्रेस के एम पी का साढ़े नाल कोई की संबंध हो सकता है, तो बिल्कुल हासोहीन ही गल है। नहीं वो कहते हैं अंदोलन को खराब करना चाहते हो, जिहड़ियां धिरां अंदोलन के नाल खड़िया दिखाई देंदियां उन्हां च फुट पाउणा चाहते हो, इसलिए तुसीं इह करदे हो। नहीं देखो ये जिहड़ी अज गल अपनी बहस के विचों जिवें मैं भी इस गल का पक्ष पूरिया कि जरूर इस गल की निराशता हुई है कि एक महिला नाल इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए सी। उहदे करके जिहड़ा बिट्टू की आपां कढ लैंदे आ वी कि रवनीत बिट्टू ने कीता, जिहड़ी मैं गल रखी है भी दोनों धिरां जिहड़ियां उन्होंने निराश किया किसानां नूं, जिहड़ा आपां संसद के बाहर ड्रामा कर रहे हैं सानूं लोड़ ही नहीं दोनों एम पी आ जाके अंदर गल करन, जदों संसद चल रही है संसद के अंदर गल करन, दोनों 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 धिरां ड्रामेबाजी लगदियां तुहानूं, दोनों धिरां ड्रामेबाजी लगदियां, अकाली दल प्रोटेस्ट कर रहा लगातार उत्थे भी ड्रामेबाजी लगदे तुहानूं। जिहड़ी बहस आपां अज कीती है खुद साडे सत्कारयोग मैं तुहानूं जिवें दस्सिया भी मैं बहुत सत्कार करदा सरदार विलसा सिंह बलटोआ दा, किंगरा साहब दा बहुत सत्कार करदा, और जिहड़ियां गल्लां सामने आईयां सामने अपने अज अज दी बहस तों स्पष्ट हो गई है गल भी अंदर जाके गल करन दी लोड़ सी, बाहर ड्रामा करन दी जरूरत ही नहीं हैगी, जदों सारे तां आपां मानदे आं साडे नाल सलाह हो के तां कानून बणे। नहीं नहीं इक मिनट कुलदीप धालीवाल, आपां थोड़े थोड़े स्पेसिफिक थोड़े स्पेसिफिक कर दईए आपां, हर सिंह को बादल जिहड़े लगातार उत्थे प्रोटेस्ट करते पे है, काम रोकू मता भी दिंदे पे अकाली दल बार बार, वो ड्रामा करते पे उत्थे रोज प्रोटेस्ट करते पे है, तुहाडे एम पीस नूं तुहाडे मंत्रियों नूं भी उन्होंने कणक दे सिट्टे दित्ते है, बलियां दित्तियां, कईआं ने फड़ियां कईआं नहीं फड़ियां, ड्रामा करदी पई हर सिंह को बादल। कणक दीआं बलियां ते बहुत कमेंट हो रहे हैं सोशल मीडिया ते, झोने की रुत्त च कणक दीआं बलियां किसानां दी पार्टी जिहड़ी अकाली दल है उहदे कोले कित्थों आईआं, मोटे जे रूप च गल कर लिए किते भी नहीं गया, माड़ी मोटी मुंजर निकली होगी उहदी आपां गल कर लिए, कणक दीआं बलियां काफी आउट ऑफ प्लेस सी, काफी आउट ऑफ प्लेस सी, बलियां मिल जांदियां जी, बलियां मिल जांदियां, सिंबोलिक है उपदेश दे रहे वड्डे वड्डे लीडर उपदेश ये दे रहे ने, संजीत की भोरा भी है नी, मर्यादा भोरा भी है नी, जिन्ना चिर ये लोग मर्यादा नहीं अपनाते संजीदगी नहीं अपनाते और इस तरह की जिस तरह की इन्होंने हरकत की है ये निंदाजनक है, और जिहड़ी तुसा गल की है और बड़ी चंगी गल होगी जे रवनीत सिंह बिट्टू अपने की हुई हरकत के उत्ते समूहक रूप च और खास करके बीबा हरसिमरत कौर बादल को माफी मंगते। बलटोआ साहब, बलटोआ साहब मेरा सवाल इस करके सीगा, ये भी मुख्यमंत्री का परिवार है, साबका मुख्यमंत्री का, वो भी मरहूम मुख्यमंत्री का परिवार है, तुहानूं दोनों नूं आपस में बैठ के गलबात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, फिर एक सांझ बनानी चाहिए, जो कोई डेलीगेशन जाना उत्थे गलबात करनी है, इकट्ठा नहीं करनी है ना बलटोआ साहब, इदां फुट पा के तो गल होनी नहीं बलटोआ साहब, तुहानूं दोनों नूं मिलदा पहल करनी चाहिए बलटोआ साहब। देखो ये तो चंगी गल है, पंजाब दे मैंबर पार्लीमेंट ने बैठ के जे इकट्ठे चलणगे तो इहदे नाल दी कोई रीस नहीं, लड़ाई सांझी है, किसानी संघर्ष है, किसानी संघर्ष वास्ते लड़ रहे हैं, पर जिस तक कहिए कि साबका मुख्यमंत्री दी, साबका मुख्यमंत्री देखो मेरे वर्गा ते करदा जे बेंते नूं बहुत ज्यादा नफरत है, हदों वध के नफरत, तो मैं ही मेरा ख्याल है कि समुची कौम दे विच उहनूं बुचड़ दे नां ते जिहड़ा प्रचलित कीता सी है भी बुचड़ सी, जिन्हें सिख नौजवानों घरां चों चुक चुक के टीनेजर बच्चों जिन्हें मुकाबले बना बना के पंजाब की जवानी नूं खत्म किया सीगा, मैं तो उस उहदे बारे गल ही नहीं कर सकता। चलो ठीक, हरदीप सिंह इंगरा लास्ट कमेंट तुहाडा चाहिए, हरदीप सिंह इंगरा जो बलटोआ साहब कह रहे हैं, मेरा सवाल यह सीगा कि दोनों परिवारों नूं जां दोनों धिरां नूं बह के गलबात करनी चाहिए है, जे वाकई किसानी के लिए तुम हमदर्द हो, हमदर्दी दिखाने सारे, जे दिखावा है फिर रहन दो सर, फिर ठीक है, लोग तमाशा देखते पे दिखाई चलो। केपी पब्लिक लाइफ दे विच किसी भी पब्लिक मैन दे एडवाइजर का बहुत अहम रोल होंदा है, अकबर दे नौ रतन सी, महाराजा रणजीत सिंह दे एडवाइजर सी, मैनू लगता है इन्होंने दोनों मैंबर पार्लीमेंटियां नूं प्रोपर एडवाइजर रखने की लोड़ है, आप ही बहुत बिजी होने हैं इस करके
ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਬਲਿਕ ਮੈਨ ਆਰ ਨਾਟ ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਰਿਐਕਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਔਨ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ ਪਬਲਿਕ ਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਐ ਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੁਲੀਨ ਦੀ ਕੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਰੁਕੇ ਨਾ ਦੋਨੇ ਪਬਲਿਕ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੰਜਮ ਰਖ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਔਰ ਸੰਜਮ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬੀਂਗ ਅ ਵੁਮੈਨ ਸ਼ੀ ਡਿਜ਼ਰਵਡ ਮੋਰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੈਨ ਇਨ ਦੈਟ ਸੈਂਸ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੇ ਸਿਆਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪ੍ਰੋਵੋਕ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਇੰਨਾ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਚੰਗਾ ਭਾਈ ਬਿੱਟੂ ਕੰਨ ਚੁੰਗਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਕੋਈ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੂਗੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਸਦ ਠੱਪ ਪਈ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਹਰ ਆ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੰਸਦ ਠੱਪ ਨਹੀਂ ਪਈ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ 28 ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਹੁਣੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਹੈ ਨਾਨ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੱਖ ਰੱਖਤਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਚਲੋ ਹੁਣ ਲੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਕੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅੰਗਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਮਲਟੋਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜੇ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲੜੋ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜੋ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੜਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਣਾ ਇਸ ਲਈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਕਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ